वेलकम बैक टू अरुणाचल। और आज का हमारा टॉपिक है पूर्वांचल हिल्स एंड रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था करिवास के फॉर्मेशन के बारे में, किस तरीके से कश्मीर वैली बनी, क्या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर रहा, और आज हम पूर्वांचल हिमालयस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हमने रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस को नहीं पढ़ा था, फिजियोग्राफिक डिवीजन या फिजिकल डिवीजन को हमने पढ़ा था। हालांकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक बार आप देख लेंगे थोड़ा सा कि रीजनल डिवीजन किस तरीके से किया गया है। जनरली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन रिवर्स के बीच में कौन से हिमालयस लोकेटेड है, राइट? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले रीजनल डिवीजन है, यानी कि आप रीजन के बेसिस पे कर रहे हैं या स्टेट्स के बेसिस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंदस रिवर और सतलज रिवर, इन दोनों के बीच में जो हिमालयस हैं उन्हें हमने पंजाब हिमालयस नाम दिया, क्योंकि ज्यादातर एक्सटेंट इसका पंजाब में आता है और जम्मू कश्मीर में आता है, राइट? तो पंजाब हिमालयस इंदस और सतलज रिवर के बीच में है। इसके बाद सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालयस हैं उन्हें हमने कुमाऊं हिमालयस कहा, क्योंकि कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। कुमाऊं हिमालयस सतलज एंड काली रिवर के बीच में। फिर काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयस हैं उन्हें हमने नेपाल हिमालयस कहा, क्योंकि इसका ज़्यादातर एक्सटेंट हमें नेपाल में देखने को मिलता है। तो नेपाल हिमालयस काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में है। फिर तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में जो है वो है असम हिमालयस। रिमेम्बर सिक्किम हिमालयस को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। असम हिमालयस में तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में, दिहांग जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, राइट? तो ये है टोटल 4 डिविजन्स हिमालयस के, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड असम हिमालयस। कहीं कहीं पर 5 डिवीजन भी देखने को मिलते हैं। सिक्किम हिमालयस को अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप अगर इतना भी करेंगे तो काफ़ी है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेजर पूर्वांचल हिल्स के बारे में। पूर्वांचल हिल्स यानी जो पूर्व में है, यानी इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाला पार्ट है, सेवन सिस्टर्स वाला पार्ट है, यहाँ पर हिमालयस का एक्सटेंशन अलग अलग फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है। नाम देखिए आप, यहाँ पर है डफला हिल्स, मिशमी और पटकाई बूम। ये आपका एक्सटेंशन जो है वो अरुणाचल वाले एरिया में देखने को मिलता है, डफला, मिशमी, अभोर, राइट? और कुछ पार्ट पटकाई बूम का। फिर हम देखेंगे गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों हमें मेघालय में देखने को मिलते हैं। और ये जो ट्रायो है वो काफी फेमस है, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे ट्राइब्स भी पाई जाती है और वो ट्राइब्स एंड हिल्स में रहती हैं, इसीलिए उनका नाम गारो खासी जयंतिया पड़ा। इसके अलावा मिकिर हिल्स जो कि असम में है, बरायल रेंज आपको देखने को मिलेगी, नागा हिल्स नागालैंड में है, मिजो हिल मिजोरम में है। काफ़ी सारे ये जो हमने देखे पूर्वांचल हिल्स, अब हम डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ेंगे, लोकेशन आपको समझ में आ ही गई है, राइट? सबसे पहले डफला, जो कि नॉर्थ ऑफ तेजपुर एंड नॉर्थ लखीमपुर के बीच में सिचुएटेड है एंड इज बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाय आपका हिल्स एंड ऑन द ईस्ट बाय अबोर रेंज। तो डफला हिल्स यहाँ पर है, जिसके ईस्ट में आपको डफला के ईस्ट में आपको अबोर देखने को मिलेंगी, राइट? ये डफला है, यहाँ पर अबोर हिल्स मिलेंगी और यहाँ पर है मिशमी हिल्स, राइट? अबोर ये भी अरुणाचल प्रदेश में, जैसा कि मैंने बताया आपको, और इनकी चाइना के काफ़ी करीब बॉर्डर मिलती है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय मिशमी हिल्स एंड मिरी हिल्स। द रीजन इज ड्रेन्ड बाय दिबांग रिवर। दिबांग रिवर यहाँ पर है दिहांग के पास में ही, और जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। इसके अलावा मिशमी जो कि लोकेटेड है इन द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंजेस एंड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स टचेस चाइना। तो चाइना के पास में हमें मिरी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अगला है पटकाई बूम जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं अपनी म्यांमार के साथ। ये देखिए, ये है पटकाई बूम, तो म्यांमार के साथ इनकी बॉर्डर शेयर होती है। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। पटकाई का मतलब है टू कट चिकन,
ताई अहोम लैंग्वेज में पटकाई का मतलब होता है टू कट चिकन, और उसी की वजह से पटकाई बूम नाम में पड़ा इसका। इट इज ओरिजिनेटेड बाय द सेम टेक्टोनिक प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। इन्हें पूर्वांचल हिल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस तरीके से हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ उसी प्रोसेस से इनका भी फॉर्मेशन हुआ, तो माना जाता है कहीं ना कहीं हिमालय का ही पार्ट है या हिमालय का ही एक्सटेंशन है। राइट, मीसोजोइक एरा में These hills are crammed with conical peaks, steep slope, deep valleys, but they are not as rough as Himalayas. Himalayas की तरह उतने ज़्यादा harsh और rough ये नहीं है. The whole region is surrounded by forests comprising of sandstones. So sandstones यहाँ पर देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे forests भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं. फिर है नागा हिल्स जो कि नागालैंड में है, इंडिया और म्यांमार के बीच में border बनाते हैं, एक तरीके से natural border का काम भी ये करते हैं. फिर है मणिपुर हिल्स जो कि नागालैंड के नॉर्थ में, नागालैंड मिजोरम और मिजोरम के पास पाए जाते हैं, तो मणिपुर में है ये मणिपुर हिल्स. फिर है मिजो हिल्स, इन्हें लुशाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता था. लुशाई यहाँ पर ट्राइब भी है, तो लुशाई ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है, मिजोरम में, ये भी आपको याद रखना होगा. मिजो हिल इनका नाम है. इट इज़ लोकेटेड टू इन साउथ ईस्टर्न मिजोरम स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ नॉर्थ अराकान यूमा रेंज. हिमालयाज जब म्यांमार में एक्सटेंड होते हैं सिंटेक्शियल बेंडिंग के बाद, तो उसे अराकान यूमा रेंज के नाम से भी जाना जाता है. जो मिजो हिल्स हैं वो अराकान यूमा का ही पार्ट है. त्रिपुरा हिल्स आर अ सीरीज ऑफ पैरेलल नॉर्थ साउथ फोल्ड्स Decreasing in elevation to the south until they merge into the Great Ganges Brahmaputra lowlands, जिन्हें Eastern Plains के नाम से भी जाना जाता है. और यहाँ पर कुछ और ranges भी हैं, जैसे आर्थारमुरा, लांगतारिया, साखान, टियांग ranges. तो ये ranges भी आसपास के region में हमें देखने को मिलती हैं. मीकेर Hills, it is located to the south of Kaziranga National Park. तो ये Kaziranga National Park कहाँ पर है, असम में है. वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है. इसके साउथ में मिकी हिल्स हमें देखने को मिलती हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिकी हिल्स किसका पार्ट है, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू का पार्ट है. रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इज द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रीजन, वेयर इज धनसरी एंड जमुना बीइंग द मेन रिवर. रेडियल ड्रेनेज का मतलब होता है जैसे अगर कोई ये हाई हिल है और यहाँ से इस तरीके से बहुत सारी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, तो हम इसे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे. राइट, गारो हिल्स हमने पहले ही डिस्कस किया था. गारो खासी जयंतिया, ये जो ट्रायो है ये मेघालय में है और काफ़ी अच्छी बारिश होती है यहाँ पर. जो वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है वो है नॉकरेक पीक, और ये हाइएस्ट पीक है जो कि गारो हिल्स का ही पार्ट है. नॉकरेक पीक मिजोरम में है, राइट, मेघालय में है, याद रखिएगा. और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है. खासी हिल्स जहाँ पर चेरापुंजी है, तो चेरापुंजी जो कि सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह है, और नॉकरेक पीक ये माउंटेन है, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है किसी समय में. राइट, तो यहाँ पर खासी ट्राइब्स भी हैं, गारो खासी जो रहती है ये ट्राइब्स भी हैं, याद रखिएगा. नॉकरेक गारो का पार्ट है और चेरापुंजी जो है वो खासी हिल्स का पार्ट है. इसके अलावा ईस्ट खासी हिल्स और लुन शिलोंग इज द हाईएस्ट पीक नियर टू शिलोंग. जयंतिया हिल्स जो कि फर्दर खासी के बाद में, सबसे पहले गारो, फिर खासी और फिर जयंतिया. मैप आप देख सकते हैं, ये है गारो हिल्स, ये खासी हिल्स और ये है जयंतिया हिल्स. तो दिस इज ऑल अबाउट द पूर्वांचल हिल्स. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. काफ़ी सिंपल सा, यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट हमने यूज़ नहीं किया है. बस आपको याद रखना है लोकेशंस क्या है, हाईएस्ट पीक्स क्या है, कौन सी रेंज किस स्टेट में लोकेटेड है. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच गाइस, एंड स्टे कनेक्टेड विद अरुणाचल.